राष्ट्र नजदीक माने जाने वाले राजमणि पटेल जी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, आज वो लहार उनका उनकी रैली यहाँ पर पहुँची है और सत्ता को भगाओ जो अभियान का चल रहा है और संविधान के लिए उस पर हम बात करने जा रहे हैं राजमणि पटेल जी। राजमणि पटेल जी आपकी साथ धन्यवाद आपको इसके लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा ये हमारी जो यात्रा सत्ता बदलो संविधान बचाओ इस यात्रा को लेकर आज यहाँ लहार में आए हैं और हमारे यहाँ के दलित नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी के साथ उनकी कार्यक्रम में बैठक हुई है और ये अब इस देश में कि अगर न्यायपालिका सड़क पर आकर के कहे कि हमें संविधान बचाओ और न्याय को खतरा है, अगर इस देश का प्रधानमंत्री जिसने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की कसम खाई है वो सड़क पर आकर के अगर ये कह रहा है कि संविधान और प्रजातंत्र को खतरा है, इसका मतलब क्या है? खतरा किससे है? या तो प्रधानमंत्री इस देश की आवाम के सामने बताएं कि खतरा किससे है। खतरा किसान से हो सकता है, क्या मजदूर से हो सकता है, क्या किससे हो सकता है? क्या खतरा इनसे तो संविधान को हो नहीं सकता। संविधान को खतरा स्वतः सरकार के द्वारा हो सकता है, सरकार उसको खतरा पहुंचाने में लगी हुई है और इस उसकी नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से पहले से कह रहे हैं कि खतरा है ताकि जब खतरा पैदा हो जाए फिर हम जनता के बीच में जाएं और ये सानूत लें कि हमने तो पहले बताया था कि देखो संविधान को खतरा है, हाँ हमारा इसमें कोई भी नहीं है तो निर्दोष है। तो ये नीयत भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। शुरू से लेके ही अपनी आदत और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी है चाहती है उससे प्रजातांत्रिक मूल्यों के हिसाब से चलने में कठिनाई हो रही है। ये लोग चाहती कि जिस तरह से अंग्रेजों का राजा महाराजाओं का संविधान था उसी तरह से हम अपना संविधान बना लें कि जो भाजपा कहे वही सत्य है, जो भाजपा कहे वही कानून है, जो भाजपा कहे वही गरीब का रास्ता है। उसकी नियत ही जो है नहीं है और इस नियत को समझिए। लाल किला क्या, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन गिरी कर दिए गए, बुलेट ट्रेन जो चलाई जाए उसके पीछे इरादा क्या है? बुलेट ट्रेन चलाने की हमारी हैसियत नहीं है, 100% कर्जा लेकर के चल रही है और चलेगी, उसमें कौन बैठेगा? अधिकारी बैठेगा, चोटी लेगा, फिर एक नेता बैठेगा, तीसरा अंबानी बैठेगा, चौथा कौन बैठेगा? नतीजा कुछ दिन में होगा कि वो घाटे में जाएगी तो सरकार उसको